Hello everyone, I am Naveen Dabley, lecturer CSE from Government Polytechnic College, Chalawad. So, abhi jo hamara topic chal raha tha, wo tha exception. Aur exceptions kya hote hain, kitne types ke hote hain, exception handle kaise karna hai, humne dekha tha first video mein ki hamare try aur catch block hote hain aur usme char steps hote hain jisme do to try block mein execute hote hain aur do catch block mein execute hote hain. उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखा था कि एक अगर प्रोग्राम है वो मल्टीपल कंडीशंस उसके अंदर ऐसी है जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है, तो फिर हम कैसे मल्टीपल कैच ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीथ्रोइंग एंड एक्सेप्शन, और हम देखेंगे कि एक जनरल कैच ब्लॉक कैसे बनाते हैं जो हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है या कैच कर सकता है. तो वही हम देखेंगे आज के वीडियो में. तो आइए शुरू करते हैं. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं वापस. तो यहां पर देख रहे हैं आपकी ट्राई ब्लॉक जो है ये टेस्ट फंक्शन है, इसके अंदर एक ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ है. इसमें तीन कंडीशंस हैं, इफ़ एक्स इक्वल टू वन, else if x equal to 0 और else if x equal to minus 1. तो यहाँ पर ये तीन conditions हैं जो कि हमारे exception generate कर रही हैं. अब पहले तीन catch block implement किए हुए हैं, कौन सा exception, कौन सा catch block select करेगा या कौन सा catch block handle करेगा ये हमने देखा था पिछले वीडियो में डिटेल में. थोड़ा सा brief introduction फिर ले लेते हैं. जैसे यहाँ पर if x equal to 1 और थ्रो x, तो x यहाँ पर हमारा है इंटीजर वेरिएबल. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो x है एक्सेप्शन है हमारा, ये कैच ब्लॉक में जो अंदर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं इसमें कौन सा इंटीजर टाइप का है. तो हमें दिख रहा है यहाँ पर दूसरा जो हमारा कैच ब्लॉक है इसके अंदर इंटीजर m लिखा हुआ है. तो जो हमारा ये इफ़ x इक्वल टू वन इसके बाद ये थ्रो एक्सेप्शन होगा, तो ये सेकेंड वाला ब्लॉक हैंडल करेगा. इसके बाद जब else if x इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थ्रो और फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा है और उसके अंदर x लिखा हुआ है, तो ये हमारे होते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट. तो वापस हम डेटा टाइप मैच करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो कैच ब्लॉक है जो ग्रीन कलर में है ये इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. इसके बाद जो तीसरा कैच else if कंडीशन है x इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है वो हो रहा है थ्रो 1.0. चूँकि हम जानते हैं कि 1.0 एक डेसिमल वैल्यू है या रियल वैल्यू है, तो इसके लिए जो डेटा टाइप होगा वो होगा डबल. तो यहाँ पर जो हमारा ये एक्सेप्शन हैंडल करेगा वो है थर्ड वाला कैच ब्लॉक जो कि ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है. तो ये तो थी हमारे एक्सेप्शंस और कैच ब्लॉक की बात कि पैरामीटर्स मैच होते हैं. जो एक्सेप्शन का पैरामीटर है कैच ब्लॉक के अंदर जो पैरामीटर है वो एक्सेप्शन से मैच करता है, जहाँ मैच हो जाता है वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है. अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी अगर कैच ब्लॉक मैच नहीं किया एक्सेप्शन जो जनरेट हुआ है हमारा उससे, तो हमारे प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर इंटीजर, कैरेक्टर और डबल, ये तीन एक्सेप्शन जनरेट हो रहे हैं और तीन एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए हमारे पास तीन कैच ब्लॉक हैं. चौथा अगर कोई इससे बाहर एक्सेप्शन जनरेट होता है और वो इनसे मैच नहीं किया तो हमारे प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है. तो ये प्रोग्राम हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में. तो जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो है टॉपिक हमारा कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस, मतलब हमें एक जनरल कैच ब्लॉक बनाना है जो कि हर तरह के एक्सेप्शन को कैच कर लेगा. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी मे नॉट एबल टू एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन and therefore may not be able to design independent catch handlers to catch them. मतलब ये possible नहीं है कि हमें पता हो कि
हर तरह के एक्सेप्शन के बारे में हम सोच सकें कि ये एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि किस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होगा तो हम उसके लिए कैच ब्लॉक भी कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं जनरल कैच ब्लॉक, जो कि हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। सिंटैक्स क्या है इसके लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि कैच ब्लॉक में आगे लिखा हुआ कैच, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर तीन डॉट लगे हुए हैं। तो ये एक जनरल कैच ब्लॉक है जो कि हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैक्स टू डिज़ाइन ए कैच ब्लॉक टू हैंडल ऑल एक्सेप्शंस, स्टेटमेंट फॉर प्रोसेसिंग ऑल एक्सेप्शंस। तो मतलब जो स्टेटमेंट्स हमें डालने हैं इस कैच ब्लॉक में वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो ये हमारा कैच ब्लॉक है जो कि जनरल है और ये हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। इसके बाद हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं इसका कि ये कैसे हैंडल करता है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर टेस्ट नाम से एक फंक्शन है और इसमें ट्राई ब्लॉक में तीन कंडीशन दी हुई है वापस, इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस वन और इफ़ एक्स इक्वल टू वन। मैंने तीनों कंडीशंस को अलग अलग कलर दे दिया है और जैसे जो कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा। तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है सी आउट टेस्टिंग जेनेरिक कैच। तो यहाँ पर आपको जो ये आउटपुट में दिख रहा है बॉक्स एक राइट साइड में बॉटम में, तो यहाँ पर जो ये पिंक कलर की लाइन है टेस्टिंग जेनेरिक कैच, तो ये फर्स्ट वाली लाइन से ये। इसके बाद आप देख रहे हैं कि टेस्ट फंक्शन कॉल हो रहा है येल्लो कलर में, टेस्ट माइनस वन। तो जब टेस्ट माइनस वन कॉल होगा तो ये जाएगा टेस्ट फंक्शन की डेफिनेशन पर और यहाँ पर ये इंटीजर एक्स, तो एक्स के अंदर हमारी वैल्यू आ गई माइनस वन। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें पता है कि ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि माइनस वन ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक होगी तो माइनस वन इक्वल है माइनस वन के, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पर से आप देख रहे हैं कि थ्रो और एक कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हमारा एज ए एक्सेप्शन जा रहा है। अब यहाँ पर हमें कोई इंडिविजुअल कैच ब्लॉक तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने एक जनरल कैच ब्लॉक बना रखा है। तो ये जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ ये फेंक देगा कंट्रोल को कहाँ पर, कैच ब्लॉक में। तो कैच ब्लॉक में फेंकने के बाद यहाँ पर आपको आउटपुट मिला जो ये येलो कलर में आ रहा है, कॉट एन एक्सेप्शन। तो ये सेकेंड वाली कंडीशन की वजह से आया है हमारा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट फंक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेस्ट ज़ीरो कॉल हुआ तो वापस ये गया एक्स के अंदर, वैल्यू आई हमारी ज़ीरो। इसके बाद हमारा ये चेक होगा इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ से एक इंटीजर एक्सेप्शन जा रहा है। और इंटीजर एक्सेप्शन जा रहा है तो वही हमारा कोई डिफरेंट कैच ब्लॉक्स नहीं बनाया किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, जनरल कैच ब्लॉक बनाया। तो ये एक्सेप्शन भी जाएगा जनरल कैच ब्लॉक में और वापस एक आउटपुट देगा कॉट एन एक्सेप्शन। ग्रीन कलर वाला जो आउटपुट दिख रहा है वो आपका आ रहा है इस वाली कंडीशन से, टेस्ट ज़ीरो को कॉल करने पर इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो ये कंडीशन ट्रू हुई और थ्रो एक्स और फिर कॉट एन एक्सेप्शन। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से वापस कंट्रोल शिफ्ट होके जाएगा मेन फंक्शन के पास और यहाँ पर ये टेस्ट वन ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि टेस्ट पर जाएगा और इंटीजर एक्स, तो एक्स इक्वल टू वन हो गया हमारा। तो शुरू की दो कंडीशन जो है इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो ये रॉन्ग हो जाएगी, इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस वन तो ये रॉन्ग हो जाएगी, इफ़ एक्स इक्वल टू वन तो ये वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी इस बार। इसके बाद लिख रहा है थ्रो 1.0, तो यहाँ पर हमारा जनरेट हो रहा है एक डबल एक्सेप्शन और वापस ये जाएगा हमारे जनरल कैच ब्लॉक में और ये ऑरेंज कलर का जो आउटपुट है कॉट एन एक्सेप्शन ये हमें देगा। इसके बाद हमारा ये रिटर्न ज़ीरो हो गया और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया। तो इस बार आपने देखा कि हमारे तीन एक्सेप्शन जनरेट हो रहे थे, हमने तीन अलग अलग इनपुट दिए थे और तीन एक्सेप्शन जनरेट हो रहे थे, लेकिन तीनों एक्सेप्शन को हमारा एक ही कैच ब्लॉक हैंडल कर रहा था जो कि हमारा जनरल कैच ब्लॉक है। और जनरल कैच ब्लॉक को बनाने का तरीका आपने देखा कि मतलब कैच और फिर ब्रैकेट के अंदर तीन डॉट लगाने हैं।
तो ये हमारा होता है जनरल कैच ब्लॉक, और यही कंसेप्ट था हमारा जनरल कैच ब्लॉक का। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई एक्सेप्शन है, उसको रीथ्रो कैसे किया जाता है। ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको void divide, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास कर रखे, डबल एक्स और डबल वाई। इसके बाद ये सी आउट, और ये इस तरह का ये एक फंक्शन है, डिवाइड फंक्शन है हमारा। और इसके बाद ये मेन फंक्शन लिखा हुआ है हमारा, और मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन, मेन फंक्शन से ही चूँकि हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो हम यहीं से देखते हैं। तो इंटीजर मेन, इसके बाद ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, सी आउट इनसाइड मेन। तो हमारे जो आउटपुट में येलो कलर की सबसे पहले लाइन दिखेगी वो है ये इनसाइड मेन, जो आपको ये लाइन दिख रही है इनसाइड मेन। इसके बाद ट्राई ब्लॉक है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हो रहा है हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है डिवाइड। इसके अंदर मैंने एक बार तो एक पैरामीटर तो दिया 10.5 और दूसरा मैंने दिया 2.0। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, डिवाइड फंक्शन की डेफिनेशन पर, और x के अंदर आ गया मेरा 10.5 और y के अंदर आ गया मेरा 2.0। अब यहाँ पर सी आउट इनसाइड फंक्शन, तो ये एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो ये यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया आउटपुट में इनसाइड फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर गया इफ़ y इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा y देखा हमने कि y की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो सी आउट डिवीज़न इक्वल टू ये प्रिंट करेगा पहले, उसके बाद x डिवाइड बाय y। तो 10.5 को 2 से डिवाइड कर देगा ये, और जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट कर देगा, डिवीज़न इक्वल टू 5.25। ये आ गया हमारा। अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद जब हमारा एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है तो हमारा कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कैच ब्लॉक हमारा हो जाएगा स्किप। और इसके बाद हमारा लिखा हुआ है एंड ऑफ फंक्शन, तो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा एंड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया एंड ऑफ फंक्शन, ये आउटपुट आ गया हमारा। तो जब आपने पहली कॉल की थी, मतलब डिवाइड फंक्शन को पहले बार कॉल किया था ये मेन फंक्शन के ट्राई ब्लॉक में, तो आपने देखा ये चार लाइनें जो है आउटपुट की ये आ रही है, जो येलो कलर में लिखी हुई है आपके। इसके बाद हम देखते हैं जब डिवाइड फंक्शन को हम दोबारा कॉल कर रहे हैं, डिवाइड 20 और 0। तो इस बार 20 गया x के अंदर और y के अंदर गया 0। अब यहाँ पर क्या होगा, वापस सी आउट इनसाइड फंक्शन, तो ये आपको एक मैसेज मिल गया इनसाइड फंक्शन यहाँ पर। इसके बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, इफ़ कंडीशन चेक की y इक्वल टू ज़ीरो, तो हाँ इस बार हमारा y जो है उसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, थ्रो y, तो y चूँकि हमारा डबल है तो ये जाएगा कैच ब्लॉक में, क्योंकि कैच में हमारा जो डेटा टाइप है पैरामीटर में वो डबल है, तो ये हैंडल करेगा इसको और ये जाएगा कैच ब्लॉक में, और ये वापस हमारा प्रिंट करेगा कॉट डबल इनसाइड फंक्शन। तो ये यहाँ पर इसने प्रिंट किया कॉट डबल इनसाइड फंक्शन। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि एक्सेप्शन जनरेट हो चुका था, उसको थ्रो कर दिया था, अब रीथ्रो कर रहे हैं, मतलब दोबारा हम फेंक रहे हैं उसको। तो यहाँ पर जो ये थ्रो ऑरेंज कलर में थ्रो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन को रीथ्रो करने के लिए। तो जब यहाँ से रीथ्रो करेंगे तो इसके नेक्स्ट जो कैच ब्लॉक होगा ये वहाँ चला जाएगा। तो इससे नेक्स्ट कैच ब्लॉक कौन सा है, मेन फंक्शन का जो कैच ब्लॉक है ये वहाँ चला जाएगा। तो ये यहाँ से शिफ्ट होके कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो गया मेन फंक्शन के कैच ब्लॉक में, और यहाँ पर हमें मिला कॉट डबल इनसाइड मेन। तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा कॉट डबल इनसाइड मेन, तो ये मिल गया। इसके बाद ये कैच ब्लॉक ख़त्म हो गया, इसके बाद हमारा एक मैसेज लिखा हुआ है सिंपल सी आउट एंड ऑफ मेन। तो ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हो गया आपको स्काई ब्लू कलर में एंड ऑफ मेन। तो ये हमारा प्रोग्राम था एक्सेप्शन को कैसे रीथ्रो किया जाता है। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर कि इफ़ वाई इक्वल टू ज़ीरो, जब हमने दूसरी बार कॉल किया था, ये जो ग्रीन कलर में लिख रहा है डिवाइड 20
0.0। तो ये वाली कॉल की थी जब हमने, जब y के अंदर वैल्यू थी हमारी 0। उसके बाद ये जब हमारी कंडीशन चेक हुई थी इफ़ y इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हमारी हुई थी ट्रू और इसने एक्सेप्शन जनरेट किया था थ्रो y। तो इसने थ्रो y किया था तो हमारा गया था ये कंट्रोल जो है कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में जाने के बाद इसने ये एक आउट मैसेज डिस्प्ले किया आउटपुट पर, और उसके बाद वापस से इस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। तो जब दोबारा इस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया तो ये इसी कैच ब्लॉक में नहीं आकर इसके सक्सेसिव मतलब अगले वाले कैच ब्लॉक में जाके हैंडल होगा। तो इससे अगला जो कैच ब्लॉक है वो हमारा लिखा हुआ है मेन फंक्शन में, तो ये वापस मेन फंक्शन की तरफ चला गया था। और हमने देखा था यहाँ पर हमें मेन फंक्शन में आउटपुट दिया था कॉट डबल इनसाइड मेन, उसके बाद हमारा ये कैच ब्लॉक ख़त्म हो गया था और उसके बाद हमें आउटपुट मिल गया था एंड ऑफ मेन। तो ये था कंसेप्ट हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। आपने टॉपिक्स देखे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हैंडल करने के कितने स्टेप्स हैं। ट्राई और कैच ब्लॉक का कंसेप्ट आपने देखा, कैचिंग मैकेनिज्म देखे आपने, और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स देखे, मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जनरल कैच ब्लॉक कैसे बनाया जाता है जो हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि ये रीथ्रोइंग एन एक्सेप्शन मतलब एक एक्सेप्शन को दोबारा से कैसे रीथ्रो किया जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू।